नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। खबर बदायूं से है, जहां बदायूं क्लब प्रांगण में आज राष्ट्रीय गीतकार स्वर्गीय डॉक्टर उर्मिलेश की 73वीं जयंती के अवसर पर उनकी स्मृति में वृहद पौधारोपण कार्यक्रम में पौधों के पौधारोपण द्वारा अधिकारियों एवं समाज सेवियों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। प्रारंभ हुए आयोजन में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी मनोज कुमार एवं विशिष्ट अतिथि नवागत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने डॉक्टर उर्मिलेश की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सदस्यों द्वारा दोनों अधिकारियों का माल्यार्पण कर एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने क्लब प्रांगण में पौधरोपण किया। आयोजन की सराहना करते हुए जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने क्लब की गतिविधियों की जानकारी ली और पौधरोपण को वर्तमान की आवश्यकता समझते हुए पौधों के संरक्षण पर बल दिया। जिलाधिकारी मनोज कुमार ने डॉक्टर उर्मिलेश को बदायूं का गौरव बताते हुए कहा कि वे अपनी कविताओं से सदैव जिंदा रहेंगे। पौधरोपण का आयोजन समय की मांग है और क्लब के इस प्रयास से निश्चित रूप से अन्य लोग भी पौधरोपण के लिए प्रोत्साहित होंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने कहा कि डॉक्टर उर्मिलेश अमर कवि थे। उनकी याद में इन कार्यों को उनकी स्मृति में श्रेष्ठ कार्य बताया। उन्होंने क्लब की जानकारी भी ली। डॉक्टर अक्षत अशेष ने कहा कि आज हुए पौधों के पौधरोपण को आने वाले दिनों में पूर्णतः सफल बनाया जाएगा। ये पौधे जीवित रहें और बढ़े इसलिए ट्री गार्ड सहित सुरक्षा की विशेष व्यवस्था रखी गई है। पौधरोपण में क्लब के उपाध्यक्ष डॉक्टर एस के गुप्ता, डॉक्टर अक्षत अशेष, सांस्कृतिक सचिव रविंद्र मोहन सक्सेना, जनसंपर्क सचिव मनीष सिंघल, नरेश चंद्र शंखधार, डॉक्टर भास्कर शर्मा, नितिन गुप्ता, डॉक्टर सौरभ शंखधार, सुनील शर्मा आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।